आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन जी को ऑनरेबल कोर्ट से जमानत मिल गई है। सत्येंद्र जैन जी इस देश में मोहल्ला क्लिनिक की क्रांति के जनक हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, सरकारी हेल्थ सिस्टम को, सरकारी लोकल हेल्थ सिस्टम्स को, सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कैसे शानदार बनाया जा सकता है, और ये कोई असंभव काम नहीं है, इसको संभव करके दिखाया सत्येंद्र जैन जी ने। दिल्ली के लोगों को सत्येंद्र जैन जी की वजह से आज शानदार हॉस्पिटल मिले हैं, नए नए हॉस्पिटल मिले हैं, पुराने हॉस्पिटल्स का रिवैम्प हुआ है उनकी वजह से, और मोहल्ला क्लिनिक जैसी इनोवेटिव चीज मिली है जिसको अब देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग जिससे सीख ले रहे हैं। कई राज्यों में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, ये सब सत्येंद्र जैन जी की देन है। सत्येंद्र जैन जी बहुत मेहनत के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्कर करके, षड्यंत्र करके, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसी तरह से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करती रही तो दिल्ली नहीं, पूरे देश में लोग बीजेपी से भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि भाई अगर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं तो आप गुजरात के, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे, आप बाकी राज्यों के जहां आपकी सरकारें वहां के अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे, ये बात पूछने लगेंगे। इसलिए सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, कुछ नहीं मिला। उनके खिलाफ तो चार चार बार उनके घर पे ईडी की रेड की, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की रेड कराई उनके घर पे, लेकिन उसके बावजूद उनके घर से एक पैसा नहीं मिला, एक कागज नहीं मिला। झूठे आरोप में, झूठे षड्यंत्र के तहत पीएमएलए कानून लगा के उनके ऊपर उनको जेल में रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कुछ नहीं निकला। आज ऑनरेबल कोर्ट में खुद ये ऑब्जर्व किया गया कि इस केस में अभी तो पता नहीं कितना समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्योंकि कुछ मामला तो है नहीं। अब इधर उधर से भानुमति का कुनबा जोड़ जोड़ के कोई झूठा केस बना रखा है। तो आज मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को सत्येंद्र जैन जी से माफी मांगनी चाहिए उनके इतने सारे दिन खराब करने के लिए। और सिर्फ सत्येंद्र जैन जी से नहीं, आज मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी के जेल में जाने से सरकारी अस्पतालों में जो काम इतनी तेजी से चल रहा था उसका नुकसान हुआ है। सत्येंद्र जैन जी के जाने से मोहल्ला क्लिनिक में जो काम चल रहे थे उनका नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मुझको जेल में डाला झूठे आरोप लगा के, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला, और सब चीजों में, सब इन सब मामलों में एक चीज कॉमन है, किसी के यहां से कुछ नहीं निकला। सिर्फ झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उनकी वजह से उनकी ईडी ने पकड़ के लोगों को जेल में डाला। मुझको भी झूठे आरोपों में डाला, मेरे यहां से कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी के यहां से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। संजय सिंह जी के यहां से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी के यहां से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल के रखा इतने लंबे समय तक। केवल एक ही मकसद था, दिल्ली के लोगों के काम रोकना। मैं आज दिल्ली के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी काम रोकने का षड्यंत्र करती है। आपने देख लिया कि पिछले एक डेढ़ साल में हम सबको जेल में डाल के इनकी मंशा किस तरह से काम रोकने की थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं, उसके पहले संजय सिंह जी, मैं बाहर आ गए थे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ गए हैं। सब काम अब बहुत तेजी से होंगे और दिल्ली के काम बहुत अच्छे से होंगे।